नमस्ते दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीक बहुत लोगों ने वुमेंस डे मनाया, बहुत सारे पोस्ट आए, हैशटैग आया शी मीन्स बिजनेस। तो कुछ लोगों ने मुझे मिलके बोला कि भाई व्हाई डिडंट यू पोस्ट एनीथिंग अबाउट वुमेंस डे, व्हाई डिडंट यू राइट समथिंग अबाउट देम। मैं एक्चुअली बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ अबाउट द वे पीपल आर ट्रीटिंग दिस वुमेन एंड मैंस डे। ऑलरेडी हमारा समाज ये कास्ट, क्रीड, कलर से बहुत डिवाइडेड है एंड डेफिनेटली we do not want any more division, at least I don't want, between a man and woman. Already काफ़ी division हो चुका है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन inferior है, कौन superior है। मेरा मानना यह है कि sun और moon के बीच में कभी ये fight नहीं होती। They both have certain duties, certain roles to play. They both, if are not together, not working together, if they don't have that balance, this earth will be destroyed. For me, a man and woman is beyond this physical attributes, that I have this physical part, so I am a man, you have a certain physical part, you are a woman. मेरे लिए एक man and woman की परिभाषा होती है उसकी masculine और feminine energy से, और हर एक मनुष्य के पास ये दोनों energies है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ ज़्यादा है, but इसके बिना, इस balance के बिना एक इंसान complete ही नहीं हो सकता। शक्ति के बिना ना आदि है और आदि के बिना ना शक्ति है। Together is the manifestation and the creation. So we need to understand one thing very very clearly here, that जो हम वुमेन की बात करते हैं वो एक फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं, उस शक्ति की बात करें। ये जो वुमेन वर्ड है, मैन वर्ड है, ये हमारे हिंदुस्तान का वर्ड है ही नहीं। ये एक इन्वेजन के बाद दिस गॉड मैन वुमेन कहा गया है। हमारे यहाँ इसे कहा जाता था देवी, सो देवी शक्ति। तो हम हिंदुस्तान में कभी औरतों को इन्फीरियर मानते ही नहीं थे। यस, बीच में कुछ इन्वेजन्स के कारण कुछ शास्त्र ऐसे लिख दिए गए हैं जिसे आज भी समाज के लोग मान लेते हैं और ये समझते हैं कि वुमेन आर नॉट अलाउड टू डू दिस, वुमेन आर नॉट अलाउड टू डू दैट। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट ये खाली वुमेन और मैन के फाइट के बीच में नहीं है। ये हमारी छोटी छोटी जो प्रक्रियाएँ हैं, डेली नीड है। बिल्ली ने रास्ता काट लिया, कुत्ते ने भौंक दिया, सो हर जगह हम बिना लॉजिक अंडरस्टैंडिंग के कुछ चीज़ें सुन रखें उसे फॉलो करते हैं। जैसे मुझे याद है बचपन में मुझे बेर होता है वो नहीं खाने दिया जाता था, कहा जाता था सरस्वती पूजा है पहले खाओगे तो तुम्हारे गले ख़राब हो जाएंगे या तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। सो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। मैं सुना हूँ कि हाँ, एक औरत इस तरह से पूजा नहीं कर सकती, उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती, ये सब बेकार की बातें हैं। यस, these things has to be removed and that's what we together will do it, but not on the criteria by putting one thing above the other. We believe in one thing, that together we will, because we belong to that one consciousness, and together we will one day become one. Remove these divisions, these boundaries, they are not going to help us anyway. So happy feminine energy to all the people watching this right now. Thank you so much.